17 जून 2024 को है निर्जला एकादशी। साल भर में पड़ने वाली एक निर्जला एकादशी का बड़ा ही महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार जो भी इस व्रत को रहता है उस व्यक्ति की मनवांछित कामना पूरी होती है। जानते हैं इस विषय पर विस्तार से आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री झांसी उत्तर प्रदेश वालों के साथ। श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता एवं ज्योतिष अनुष्ठान तंत्र विशेषज्ञ। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय योगिनां पते नमः। नमस्कार सुप्रभात मित्रों, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य राजेंद्र शास्त्री झांसी उत्तर प्रदेश। चर्चा करते हैं हम लोग 17 जून 2024 निर्जला एकादशी के विषय पर। वैसे तो हर महीने में दो एकादशियां पड़ती हैं, किंतु एक वर्ष में एक बार पड़ने वाली जो तिथि है उसका नाम निर्जला एकादशी है, जो कि 17 जून को सुबह 6:43 से प्रारंभ होकर के और 18 जून को 4:24 तक यह तिथि का मान्य रहेगा। निर्जला एकादशी सभी तिथियों में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। जो भी इस व्रत को रखता है भगवान श्री नारायण की कृपा उस व्यक्ति पर संपूर्ण रूप से वर्षती है। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से यह व्रत रहने पर भगवान श्री हरि की अवश्य संपूर्ण कृपा उस जीव पर वर्ष जाती है और उसकी मनोकामना पूर्ति होती है, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।